परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले किसकी खोज? राज की और उसके धर्म की खोज करो। पहले हमें परमेश्वर को ढूंढना है, हमें प्रभु के पीछे जाना है। अगर हमने परमेश्वर को ढूंढ लिया तो दुनिया की हर वस्तु हमें हमारे घर पर आएगी। आगे तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। दुनिया की हर एक वस्तु, चाहे सोना है, चाहे चांदी है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे जमीन जायदाद कुछ भी है, अगर हमने परमेश्वर की खोज कर लिया, अगर परमेश्वर को ढूंढ लिया तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हमारे पीछे पीछे आएगा। हम आगे आगे जाएंगे तो आशीषें बरकतें हमारे पीछे पीछे आएंगी। जैसे अभी देखो हम परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, जहां पर देखो सब कुछ अपने आप चल कर आ रहा है। जे साउंड अपने आप आ गया, जे कीबोर्ड अपने आप आ गया, जे एसी मिल गया, कैमरा मिल गया, जे चेयर मिल गया, जे सब जो मैट वगैरह जे सब अपने आप चल कर आया। मैंने तो किसी से मांगा नहीं। हालेलुया। मैंने मांगा कभी किसी से? आप लोगों से मांगा कभी? मैंने तो आप लोगों से कभी चर्च का रेंट तक नहीं मांगा। चर्च का इतना रेंट है, आप लोग थोड़े थोड़े पैसे करके दे दो, हम मिलकर चर्च का रेंट दे देते हैं। मैंने कभी भी आप लोगों से चर्च का लाइट बिल भी नहीं मांगा कि आप थोड़े थोड़े करके पैसे दे दो कि चर्च का लाइट बिल भरना है। मैं किससे मांगता हूँ? परमेश्वर से मांगता हूँ। मैं परमेश्वर की खोज करता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर चलता हूँ। इसलिए चर्च का रेंट पीछे पीछे आ रहा है, लाइट का बिल पीछे पीछे आ रहा है, हर संडे आप लोगों के लिए नाता पीछे पीछे आ रहा है। किसका खोज करना? पहले परमेश्वर का। परमेश्वर को ढूंढना है। अगर आप लोगों ने परमेश्वर को ढूंढ लिया ना तो सब चीजें आपके पीछे 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 आएंगी, आपके घर में रखने के लिए भी जगह नहीं होंगी। हालेलुया। परमेश्वर की खोज करना है। खाने पीने वाली चीजों की खोज नहीं करना, पहने वाले कपड़ों की खोज मत करिए। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उसकी खोज मत करो। परमेश्वर के वचन की खोज करो, परमेश्वर की खोज करो। दुनिया की सारे वस्तु हमें हमारे पास चल कर आएंगी। हालेलुया। आगे अतः कल की चिंता न करो। कल की चिंता न करो। कल की चिंता न करो। किसको किसको चिंता है कल का? कल का किस किस को चिंता है? कल मैंने अगर ये कपड़े नहीं पहने तो फिर मेरे को मैं मरना जाऊं, कौन पहनेगा, है ना। कल 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 की किसको चिंता है? कल क्या खाना है, हैं? कल क्या पीना है, चिंता है कल की, हैं? किस किस को है? कल मैं स्कूल में जाना है, कल शॉप में जाना है ना। आज से ही हम कल की चिंता करके रखे हुए, है ना। मैं उससे पैसे लेने हैं, मैंने उसको पैसे देने हैं, है ना। कल आया भी नहीं, फिकर आज से। कल तो आना है ना, अभी आज से ही हम कल की चिंता कर रहे हैं। हालेलुया। आप लोगों को भरोसा है कि आप कल देखेंगे? भरोसा है कि कल का दिन देखेंगे? भरोसा है? हमें कोई भरोसा नहीं है कि हम कल का दिन भी देख सकते हैं। पता नहीं इंसान की मौत का कब मत है, बंदे की मौत का पता है नहीं। बंदे के प्राणों का पता है नहीं। क्या पता आज हम जहां पर हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं, कल को हम हमारे भी बीच में कोई उड़ जाए। मौत आपके हाथ में है, जिंदगी आपके हाथ में है। मौत और जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है, मौत और जिंदगी उसके हाथ में है। इसलिए कल की चिंता ना करो। द्वारा पढ़े, कल की चिंता ना करो। कल की चिंता ना करो। हम कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या पहनेंगे, चिंता करनी है तो आज की करना है। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात को सो जाते हैं, सुबह उठते नहीं हैं, सोते ही रह जाते हैं। उन्होंने कितना कल के लिए सोचा होगा, कल मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदना है, कल मैंने अपने बच्चों का एडमिशन देना है, कल मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, कल मैंने बिजनेस में बड़ा काम करना है, कल मैंने ये व्यापार करना है, कल रिश्तेदारों में जाना है, कल मैंने पार्टी में जाना है, कल मैंने ये करना वो करना, कल के लिए उन्होंने सोच के रखा होगा। लेकिन जब कल आया तो बंदा नहीं। इसलिए कौन बोल रहा है कल की चिंता? ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। उसने पहले क्या बोला? अपने प्राणों की चिंता
ना करो। फिर उसने क्या वो क्या बोला, कल की भी चिंता वो बोल रहा है हमें चिंता 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 चिंता, सुबह उठते ही चिंता, सोने टाइम चिंता, उठते टाइम चिंता, काम पर चिंता, आते जाते सफर में चिंता। चिंता है किस चीज की है वो समझ नहीं आ रहा है। किसी के ऊपर कर्जा है उसको चिंता है ना, किसी ने किसी के पैसे देने हैं उसका चिंता है, किसी ने किसी से पैसे लेने हैं उसका चिंता है ना, किसी को संसार को खुश करने की चिंता है, किसी को लूटने का चिंता है ना, मैं इसको कैसे लूटूं, उसको बड़ा चिंता लगा रहता है मैं इसको लूटूं कैसे, पड़ोसियों ने नया गाड़ी ले लिया उसका ही चिंता लगा रहता है लेकर कैसे आ गया, किसी ने नया घर ले लिया उसका ही चिंता लगा रहा है इसने ले कैसे लिया, किसी ने किसी बहन की रहेगी इस बहन ने लिया कहां से, कौन सी मार्केट से लिया, चिंता। भाइयों को चिंता लगी, इसने मोटरसाइकिल नया लिया मैंने भी लेना है, चिंता लगा रहा है। चिंता करके आप एक जिंदगी का पल नहीं बढ़ा सकते तो क्या कर सकते। चिंता मत करिए ना खाने की ना पीने की ना पहनने के लिए। इसलिए प्रभुता काश के पंछियों को देखो ना वो भीजते हैं ना वो काटते हैं ना वो जमा करते हैं। आकाश के पंछी चिंता करते हैं नहीं, फिक्र है। जब आकाश के पंछियों को फिक्र नहीं है खाने के लिए पीने के लिए पहनने के लिए तो हम क्यों फिक्र करें, हमें भी चिंता नहीं करना क्या खाएंगे क्या पीनेंगे। इसलिए क्या बोलता है, कल की चिंता ना करो। कल की चिंता करनी है नहीं, करनी है ना नहीं। सुबह ड्यूटी पर मेरे को सुबह जल्दी 6 बजे उठना पड़ेगा है ना। जॉब कितने बजे शुरू हो जाती है, 8:30 बजे। तो मैं 7 बजे उठना है, फ्रेश होना है, खाना बनाना है, ये कपड़े पहनना है, गेट बंद ना हो जाए। अगर ये जॉब पर लेट पहुंचे, जॉब 8:30-9 बजे शुरू होता है, अगर 10 बजे पहुंचेंगे हैं क्या आ जाएगा, रिटर्न आता है हैं। और करता है 20 मिनट लेट हमें करता है ना। हमें कितना चिंता है कि हमारा सैलरी कट ना जाए है ना, हमें कितना चिंता है गेट बंद ना हो जाए है ना, कितना चिंता है। जब परमेश्वर के घर पे आते हैं उस टाइम कोई चिंता नहीं होती कि प्रार्थना 2 बजे चालू होने वाला है, हम 2:30 बजे पहुंच रहे हैं, 3 बजे पहुंच रहे हैं, उस टाइम चिंता नहीं होती, होती है। नहीं होती उस टाइम, उस टाइम कोई देखने वाला है ना, उस टाइम क्यों नहीं चिंता होती, उस टाइम कभी सोचा है, सोचकर पहले आना चाहिए ना। प्रार्थना कितने बजे चालू होती है, कितने बजे प्रेयर चालू होती है पता ही नहीं मुझे, ज्यादा लोग प्रेयर कितने बजे चालू होती है, 2 बजे होती है ना, तो हम कितने बजे आते हैं, 2:30 बजे 3 बजे। तो चिंता कहाँ गई, स्वर्ग में पहुंच गई, हालेलुया, चिंता उड़ गई। फिक्र करो परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के घर के लिए चिंता करो, करना है तो अपनी आत्मा को बचाने के लिए चिंता करो, अपने फ्यूचर को बचाने के लिए चिंता करो, अपने घर को बचाने के लिए चिंता करो, अपनी आत्मा को बचाने के लिए चिंता करो। आप जो चीज आपके काम की नहीं है वो आपकी अपनी नहीं है, उस चीज की आप चिंता मत करो। हालेलुया, चिंता करनी है तो अपनी आत्मा को बचाने की चिंता करना है, चिंता करना है तो अपने घराने को बचाने की चिंता करना है, चिंता करना है तो अपने बच्चों को बचाने के लिए चिंता करना है, चिंता करना है तो अपने फ्यूचर को बचाने के लिए चिंता करना है। इसलिए प्रभु बोलता है कल के लिए चिंता आगे, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हालेलुया, कौन करेगा कल का दिन, किसने बनाया कल का दिन, जिसने बनाया वो आप पे चिंता करेगा। आप लोग क्यों भर रहे कल की चिंता, द्वारा पढ़े कल की, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, अपनी चिंता आप ही कर लेगा। कल का दिन आएगा तो कल के दिन को फिक्र होना चाहिए ना, कल क्या होने वाला है, हम क्यों करें, हम कल की चिंता करके बैठे हैं, कल का फिक्र करके बैठे हैं। कल के दिन का चिंता मत कर, आज के दिन के लिए करो, आज क्या है, आज हमने अपनी आत्मा को बचाना है। हालेलुया, इसलिए कल के दिन की हम चिंता ना करें। आगे, आज के लिए आज ही का दिन बहुत है, आज के लिए आज का ही दिन
आज के लिए हमारे लिए आज का ही दिन काफी है। जो खुशी से निकल गया, जो आनंद से निकल गया, जो राम से निकल गया, आज का दिन ही हमारे लिए क्या है, काफी है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए क्या करो, कल के दिन की चिंता ना करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया, चिंता नहीं करना, फिक्र नहीं करना, इसलिए जो कल का दिन है वो अपनी चिंता आप ही करेगा। कल का दिन अपनी चिंता आप ही करेगा ना, कल जो दिन आएगा उसको फिक्र होना चाहिए, कल क्या होना है क्या नहीं होना। तो हमने तो कल का दिन बनाया नहीं है, कल के दिन क्या होना है हमें तो पता नहीं है। हमें क्या पता है, हमें तो जो समय निकल गया है उसका पता है, आने वाले समय के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए चिंता मत करिए, कल के दिन की भी चिंता मत करो। हालेलुया, आज के लिए क्या है द्वारा, अपनी चिंता आप कर ले, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। आज हमने दुख देख लिया, वो भी हमारे लिए काफी है। जितना समय हमारा निकल गया वो ही काफी है। खुशी के साथ निकला, आनंद के साथ निकला, दुख के साथ निकला, चिंता के साथ निकला, कैसा भी निकला, आज के लिए हमारे लिए वो भी काफी है। हालेलुया, इसलिए कल के दिन की फिक्र मत करिए, कल क्या होना है, कल क्या करना है, कल का दिन अपनी चिंता आप खुद कर लेंगे। हालेलुया, इसलिए अपने प्राणों की चिंता मत करो, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, चिंता मत करो। आकाश के पंछियों को देखो, जब परमेश्वर उसको सब जूते पूरी कर रहा है तो हम तो पंछियों से भी उत्तम है। परमेश्वर हमें हमारी फिक्र करने वाला है, उससे भी अच्छा देने वाला है। हालेलुया हालेलुया। अपनी जगह पर खड़े होते हैं, अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं।